बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 5 या 6 घंटों से यहाँ पर बर्फ़बारी और वेदर स्टॉर्म का सिलसिला जारी है। उस बर्फ़बारी ने अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि आपको न्यूयॉर्क और न्यू जर्जी के मज़ाफ़ाती और नवाई इलाक़ों के बर्फ़बारी के मनाज़र दिखा सकूँ। सामीन हज़रात, अगर मौसम का जिक्र किया जाए तो यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ मौसम करवटें बदलते हुए दिखाई देते हैं। बिलखसूस जब मौसम में गर्मा का आगाज़ होता है, सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ दिखाई देता है, अपनी आँखें दिखाता है, तो इसकी शिद्दत हिद्दत और तमाजद की वजह से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाता है और गर्मी के असरात वाज़ह तौर पर महसूस होने लगते हैं। और यूँ महसूस होता है कि हम किसी गर्म तरीन जजीरे में आबाद हैं। इसी तरह जब मौसम सरमा अपने पूरे उरूज पर होता है तो ठंडी और सख्त और शदीद किस्म की हवाएं चलती हैं जो बारिश का सबब बनती हैं, और यही बारिशें फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़बारी का रूप धार लेती हैं। हल्के हल्के रुई के गाले जैसे हल्के हल्के बर्फ़ के रुई के गाले जैसे फ़ज़ा में उड़ते हुए महसूस होने लगते हैं। और जूँ जूँ मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा होता है, ये रुई के गाले भी बर्फ़बारी में जो है ना मुंतकिल हो जाते हैं और बाकायदा और सही मानू में बर्फ़बारी का आगाज़ होने लगता है। और ये बर्फ़बारी जो है न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी की बुलंदोबाला इमारतों को एक नया हुस्न अता करती है। न्यू जर्जी और न्यूयॉर्क के बुलंदोबाला फलकबोस और जगमगाती इमारतें बर्फ़ से ढक जाती हैं और नहायत ही दिलकश और खूबसूरत नज़र आने लगती हैं। दूर तक फैले हुए सब्ज़ाज़ार बर्फ़ से ढक जाते हैं और यूँ महसूस होने लगता है कि बर्फ़ की पहाड़ियाँ जैसे चारों तरफ से नज़र आ रही हूँ। इसके बाद ये बर्फ़ जो है कई कई दिन तक जारी और सारी रहती है। इसके बाद ठंडी और यख बस्ता लोगों को जमा देने वाली हवाएं चलती हैं जो अब फ़ज़ाओं को और दरख्तों को अपनी लपेट में ले लेती हैं, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो असल बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपसे करना मकसूद है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, किसी भी मौसमी आलात के तनाजर में इनके तगैर तबदल की सूरत में खाओ मसलसल बारिशों का सिलसिला हो, हरिकेन हो, तूफ़ान हो या बाद उबारा, किसी भी हालात के निपटने के लिए यहाँ के अदारे और मशीनरी हरकत में आ जाते हैं। जब बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू होती है तो ये अदारे ये जो मशीनरी है बिलडोज़र अपनी मुहिम का आगाज़ शुरू कर देते हैं। और जब तक सड़क दोबारा साफ़ होकर ट्रैफिक के काबिल ना हो जाए, उस वक्त तक ये सफाई का सिलसिला जारी और सारी रहता है। जहाँ तक घरों में खड़ी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियन या पैदल चलने वालों का सवाल है, तो लोग अपनी मदद आप यार्ड में साइड वॉक्स को साफ़ करते हैं। यूँ ट्रैफिक और पैदल चलने वालों का सिलसिला जारी और सारी रहता है। ज़िंदगी का पहिया रवां दवां रहता है, ज़िंदगी मुतासर नहीं होती। मवासलाती निज़ाम हो या ज़राए अबलाग, अशाए खुद व नोश, कभी इनका सिलसिला मनकता नहीं होने दिया जाता। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों पर आपको हजूम देखने को मिलता है। लिहाजा बदलते मौसम के साथ, बदलते रंगों के साथ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का हुसन और रूप हर बार आपको एक नए रूप और नए रंग में नज़र आता है। तो हम बेसाख्ता कुदरत के इस नज़ारे को, इस करश्मे को, अजायबात को दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज से आपकी मुलाकात बस इतनी। अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको दुनिया व आखिरत की खुशियों से, नेमतों से, इज्जतों से, बरकतों और रमतों से
मालामाल फरमाए, सरफराज फरमाए। आमीन सुमा आमीन वसलाम।